हाय गाइस, मैं डॉक्टर मिली साइकोलॉजिस्ट फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज का वीडियो आपके शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आज के समय में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, छोटी उम्र के बच्चों को भी ये समस्याएँ होती जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मीठा खाने की। जो लोग मीठा पसंद करते हैं उनके लिए बीमारी किसी श्राप से कम नहीं, ऊपर वाले की कृपा से मुझे अभी तक ये बीमारी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कभी ये बीमारी हो, इसलिए मैं एहतियात रखती हूँ। और पिछले एक सालों से मैंने अपने खाने में चीनी को रिप्लेस कर दिया है स्टीविया से। स्टीविया एक नेचुरल हर्ब है, इसे हिंदी में मधु तुलसी भी कहते हैं। यह मार्केट में आपको लीफ के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म, तीनों फॉर्म में मिल जाएगा। मैं अमूमन दिन में 5 से 6 कप चाय पी लेती हूँ, बुरी आदत है बट है। शुगर होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, इनमें हमारा खान पान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो जहाँ तक हो सके हमें अपने खान पान को दुरुस्त करना चाहिए और ऐसी चीज़ों को जो रिप्लेस की जा सकती हैं उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। जब मुझे स्टीविया के बारे में पता चला था लगभग 1 साल पहले, तो मैंने अपने लोकल मार्केट में इसे बहुत ढूंढा, पर कई दुकानदारों ने तो सीधे सीधे कहा कि हम तो पहली बार ये नाम भी सुन रहे हैं, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया। स्टीविया का इस्तेमाल सिर्फ आपको डायबिटिक से दूर रखने के लिए नहीं है, और डायबिटीज़ के लिए बहुत से शुगर फ्री टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये टैबलेट लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद आपको साइड इफेक्ट्स देते हैं जो कि सही नहीं है। यहाँ स्टीविया काफ़ी हेल्पफुल होता है, ये आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता। चूँकि एक नेचुरल हर्ब है तो आप इसे बेहिचक इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए ही नहीं, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। वे अपने खान पान में चीनी की कुछ मात्रा को स्टीविया से जरूर रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो भी डायबिटिक पेशेंट की बात है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं फिलहाल कीटो डाइट पर हूँ। कीटो डाइट में चूंकि शुगर बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, उसमें हम जैसे लोगों के लिए एक परेशानी खड़ी होती है कि फिर चाय कैसे पिया जाए। बाकी खान पान से तो शुगर हटाया जा सकता है, पर चाय का क्या करें। ऐसे में स्टीविया आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ कीटो डाइटर्स को यह डाउट होता है कि स्टीविया नहीं लिया जा सकता या लिया जा सकता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसे शेयर करूं। मैं बेहिचक स्टीविया लेती हूं, ये 0 कार्ब है, आप इसे आराम से अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, अपनी चाय में शामिल कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ तक हो सके अपने घर में चीनी को स्टीविया से रिप्लेस करें। मैं जानती हूँ पूरी तरह से ये संभव नहीं है, हमारी कई मिठाइयाँ, कई फेवरेट डिशेज चीनी के बिना अधूरी है, तो बेशक वहाँ खाएं, लेकिन जहाँ तक हो सकता है एटलीस्ट वहाँ इसे रिप्लेस करें। कम से कम हम अपनी चाय की चीनी को तो स्टीविया से रिप्लेस कर ही सकते हैं। अमेजन पे ये बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप किसी भी ब्रांड का स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्रांड बदल बदल कर यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मैं इसे ही यूज़ करूँगी। फिलहाल जो मैं ब्रांड ले रही हूँ वो है आपको जिंदगी स्टीविया, एक आपका सो स्वीट स्टीविया भी है और भी बहुत से हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगी, अगर आप लेना चाहें तो वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं, आप जो भी ब्रांड का लेना चाहें ले सकते हैं। बस आप थोड़ा सा बारीकी से उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, समझें और उसके बाद लें। किसी की कहीं सुनी बातों पर यकीन ना करें, अपने दिमाग पर भरोसा करें। हो सकता है कि आपका रिसर्च कुछ और भी अच्छे प्रोडक्ट सामने लेकर के आए। अगर आपको कोई और अच्छा ब्रांड मिलता है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं उसे ट्राई कर सकूं। फिलहाल मैं आपको दिखाती हूं कि स्टीविया को चाय में यूज़ कैसे करते हैं, तो अपनी पलकें झपकाएं। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी चाय तैयार है। और स्टीविया अगर आप कॉफ़ी में पीते हैं तो आपको बिल्कुल भी इसके स्वाद का पता नहीं चलेगा। हाँ, चाय में आपको आफ्टर टेस्ट हल्की सी बिटरनेस आपको महसूस होगी जो कि आपको बुरी नहीं लगेगी। मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। जैसे मैंने थोड़ी सी चाय ली है, बिकॉज कीटो में ज़्यादा चाय में नहीं ले सकती दूध वाली, और मेरा स्टीविया लगभग ख़त्म होने वाला है। मैं पाउडर स्टीविया यूज़ कर रही हूँ, बस इतना सा काफ़ी है 1 कप के लिए। ये आपको चीनी से बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप नहीं पी पाएंगे। बस आप इसे हल्का सा मिला लें, आप डायरेक्टली डाल सकते हैं या फिर आप अगर खौलाते हैं चाय के साथ तो आप खौला करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैं रखती हूँ कहीं आने जाने के लिए, अगर कहीं बाहर होती हूँ ट्रैवलिंग पे तो मुझे ये यूज़ करने में आसानी होती है। आप इसे डायरेक्टली 2 बूंद डालिए, 1 कप के लिए काफ़ी है। थोड़ा ज़्यादा मीठा पीते हैं, 3 बूंद आपका काम कर देगा। तो गाइस, मैं लेती हूँ अपने चाय का मज़ा, तब तक आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक पर क्लिक करें और इसे बाय करें और अपने सेहत का ख्याल रखें। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।